वेलकम टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको चिकन पकोड़ा बनाना बताऊंगी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम चिकन लिया हुआ है, जो कि इस टाइप का हड्डियाँ हमने हटा दिया है पूरे का चिकन पकोड़ा के लिए। इसी तरह बिना हड्डी वाला हमने लिया हुआ है। यहाँ पे हमने मसाला लिया है, लाल मिर्च एक बड़ी चम्मच से, इस चम्मच से एक चम्मच, और हल्दी का पाउडर हाफ चम्मच, आधा चम्मच, लहसुन पेस्ट इसी बड़ी चम्मच से डेढ़ चम्मच, हरी मिर्च चार हमने कट किया हुआ है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा धनिया का पाउडर लिया हुआ है। यहाँ पे हमने स्वाद अनुसार नमक लेना है। यहाँ पे हमने काली मिर्च लिया हुआ है, जीरा पाउडर, ये है धनिया पाउडर, ज़्यादा धनिया वाला पाउडर, और ये थोड़ा कम है जीरा पाउडर। और यहाँ पर हमने ये बेसन लिया है, जो कि चना का बेसन है। तो चिकन पकौड़ा बनाने के लिए हमें सारे मसाला को इसमें डालना होगा, तो हम इसमें का जो भी मसाला है इसमें डाल देते हैं सारे को। बहुत ही कम समय में हम चिकन पकौड़ा बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमें बेसन लेना है, ये देखिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस टाइप से अगर चिकन पकोड़ा बनाएंगे तो बार बार यही डिमांड आएगी आपके यहाँ भी, आपके फैमिली बार बार यही डिमांड करेंगे, इसी टाइप की चिकन पकोड़ा। मैं अलग टाइप से बना रही हूँ। अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हो चुका है, ये अच्छे से मिक्स हो गया होगा, नमक एक दूसरे में घुस जाता है। अब हम क्या करते हैं, कढ़ाई रखते हैं गैस जलाकर, चूल्हा जला लिया है, इसके ऊपर हम पैन डाल देंगे। उसके बाद ये हीट होगा तो ऑयल डालेंगे, यानी कि तेल। कढ़ाई हीट हो चुका है, इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल, ये गर्म होगा, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। फ्राई अच्छे से गर्म हो चुका है, ये जो हमने पैन में तेल रखा था, अब इसमें हम छानने के लिए रख दिया, 2 से 3 मिनट बाद इसको पलट देंगे। इस तरीके से एक बार पूरे को पलट देंगे। ये तो पूरा हमने इसको सही तरीके से पलट दिया। फिर इसको 2 से 3 मिनट बाद अच्छे से पूरे को पलट देंगे, तो पूरा लाल हो जाएगा। ये अच्छी कलर आ गई है मेरे चिकन पकौड़ा में, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। गैस को हमने बंद कर दिया, इसको हम निकाल देंगे। यम्मी और कितना टेस्टी पकोड़ा बना है। तो फ्रेंड्स, आज की पकोड़ा की रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कुछ पूछना है तो नीचे कीजिए कमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।